और ये देखो इंक पेन चला है, महंगा है, बहुत भला है, पर जितना भी ये कर ले ट्राय नहीं चलेगा बिना स्याही। कुछ ऐसा ही लोकतंत्र है, सब शामिल हो इसका मंत्र है। मतदान हर महिला का अधिकार, वो हर जगह बराबर की हकदार। तो बढ़ चढ़कर आगे आइए, जनतंत्र का फर्ज निभाइए, कोई भी महिला वोट देने से चूके ना। याद रहे इस महात्योहार एक भी वोटर छूटे ना। For more information, log on to nvsp.in or call voter helpline 1950. धनबाद के झरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत गोपाली चक के समीप बीसीसीएल के खंडर नुमा आवास में बीती रात झरिया पुलिस ने छापेमारी कर लगभग 50 टन कोयला जब्त किया है। छापेमारी का नेतृत्व झरिया थाना के प्रभारी थानेदार प्रभात रंजन पांडे कर रहे थे। आपको बता दें कि वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर झरिया पुलिस गोपाली चक के समीप छापेमारी की। इस दौरान पुलिस को एक खंडरनुमा मकान में लगभग 500 प्लास्टिक के बोरी में भरा कोयला मिला, जिसका वजन लगभग 50 टन बताया जा रहा है, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। वहीं जब्त कोयले को पुलिस झरिया थाना ले आई है। आपको बताते चले कि पास के ऐना परियोजना में चल रहे आउटसोर्सिंग कोल डंप से कोयला तस्करों के इशारे पर कोयला चोरी कर जमा किए जाने का गोरख धंधा विगत कई दिनों से चल रहा था। इसे तस्कर द्वारा बड़े वाहन के माध्यम से अनियंत्रित कर भेजे जाने की तैयारी थी। इसी दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक धनबाद को सूचना मिली। सूचना मिलते ही वरीय पुलिस अधीक्षक ने छापेमारी के लिए झरिया पुलिस को निर्देश दिया। बताया जा रहा है कि कोयला चोरी मामले में प्रभात रंजन ने बताया कि वार्ड 37 के पार्षद शैलेंद्र सिंह सहित राजा साव और विपिन मंडल पर धारा 413/414, 34/30(2) के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। पुलिस पदाधिकारी के निर्देशानुसार गोपाली चक में अवैध कोयला चोरी करके रखने की सूचना प्राप्त हुई थी। उस आलोक में सीनियर ऑफिसर के निर्देशानुसार हम लोग छापेमारी किए। छापेमारी में वहाँ दो स्थानों पे अवैध रूप से सीमेंट के बोरा में कोयला भर के रखा गया था, उसे हम लोग बरामद किए हैं। एक पहला जगह जो था वहाँ पे लगभग 21 टन कोयले की बरामदगी की गई थी। दूसरा जगह जो था गोपाली चक में, वहाँ पे लगभग 29 टन कोयले की अवैध चोरी करके रखा गया कोयले की बरामदगी की गई थी। और दिनांक 28/3/2019 को एना कोलवरी के पीछे कारी जोड़िया नदी के तट पे इसी प्रकार का सीनियर ऑफिसर का निर्देश प्राप्त हुआ था कि वहाँ पे अवैध उत्खनन करके और सीमेंट के बोरे में कुछ कोयला भर के तस्करी के लिए तस्करों द्वारा रखा गया था। इस सूचना पे हम लोग गए थे, कल गए वहाँ, जी गए देखे कि वहाँ अवैध उत्खनन किया जा रहा था और करीब 405 सीमेंट के बोरे में चोरी का कोयला तस्करी हेतु वहाँ रखा गया था। सर किसी का नाम भी सामने आया है? दोनों छापेमारी के लिए अलग अलग प्राथमिकी दर्ज किया गया है और दोनों में नामजद अभियुक्त भी बनाए गए हैं। इसमें अभी जो स्थानीय स्तर पर जांच पड़ताल जो हम लोग किए थे, उसमें कुल 8 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। सर किसी का नाम बता? नाम में उमेश, दिलीप, योगेंद्र, जीते चौबे जी हैं,